शुरू किया जाए। खत किसी का लेके आया था बड़ी ही शान से, उनका गुस्सा देखकर कासिद कबूतर बन गया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हम उनके चार डाल की तारीफ क्या करें, वो यूं चले के बद में भौचाल आ गया। अर्ज करती हूँ, ये बचपन जवानी का मेहमान है, जवानी मोहब्बत का ईमान है, फरिश्तों ने सजदा किया है जिसे, मोहब्बत खुदा का वो फरमान है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मिर्जा चंगेजी, अब तुम सुनाओ। अर्ज करता हूँ, मोहब्बत सदा मुस्कुराती रहेगी, ये महफिल यू ही जगमगाती रहेगी, ये खुशियों के मेले कभी कम न होंगे, ये सब कुछ रहेगा मगर हम न होंगे। वाह वाह, बहुत खूब। एक बार फिर पढ़ो मिर्जा चंगेजी, तुम्हारे अशआर हमें बहुत पसंद आए। मोहब्बत सदा मुस्कुराती रहेगी, ये महफिल यूं ही जगमगाती रहेगी। नमाज का वक्त हो गया, अब मुशायरा परसों होगा। बात है मिर्जा, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? अरे तुम तो उदास हो गए, बता मिर्जा क्या बात है? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? बहुत दूर, गुजरात। क्यों? मेरे अब्बा को आलमपना ने गुजरात का मुफ्ती बना दिया है। ये बजुन सुनी हो जाएगी, खेल कूद खत्म हो जाएंगे। मिर्जा, तुमने खबर सुना के हमें परेशान कर दिया। शहजादी आलम, क्या आपको मेरे जाने का दुख है? हाँ मिर्जा, मुझे भी बहुत अफसोस है, न जाने क्यों दिल आपके पास से जाने को नहीं कहता। क्या आपका दिल भी यही कहता है? हाँ मिर्जा, हमारा दिल भी यही कहता है। जहाँ रुक क्यों गए, आगे कहो। तुम्हारे मुझसे जहाँ आ रहा बहुत अच्छा लगता है। जहाँ आ रहा, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब तुमसे ही शादी करूँगा। जवाब दो, मुझसे शादी करोगी ना? बोलो जहाँ आ रहा, तुम्हें मेरी कसम। हाँ देखो मिर्जा, तुम शेर कहना ना छोड़ना, एक दिन तुम बहुत बड़े शेर बनोगे। मैं हमेशा शेर कह करके भेजता रहूंगा। कैसे भेजोगे मिर्जा? कबूतर के पर में बांध के उड़ा दूंगा, कबूतर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा।
ला वापस कर दे। क्यों? बचपन के सारे खुद तो मैंने पढ़े और अब पढ़ ली। बेगम साहब, मिर्जा का सलाम कबूल फरमाइए। दिल में हजारों तमन्नाएं और आंखों में दीदार का शौक लिए हुए शाही मुशायरे में हाजिर हो रहा हूं। मतलब अर्ज है, किसी की याद में दुनिया को हैं भुलाए हुए, जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए। बाकी गजल मुशायरे में सुनाऊंगा। आपका मिर्जा। जय शाह दौरा दिल सुभानी, जय शाह हिंद, आला हजरत शाहजहां तशरीफ ला रहे हैं। मुशायरा शुरू किया जाए। पहली जा एक रुबाई पेश करता हूं। जर्रे में हूं कभी तो कभी मेरो माह में, दोनों जहां के राज हैं मेरी निगाह में, मेरी पनाह में है जमाने की गर्दशें, लेकिन मेरा वजूद है तेरी पनाह। वाह 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 सुभान। आज से हमने बज़्म अदब को आदाब शाही की कैद से आजाद किया। महफिल में हमसे पहले कोई भी फर्द दाद दे सकता है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अर्ज करता हूं, तेरी कसम जो तेरे साथ साथ आया है वो मैं नहीं हूं, मेरी आरजू का साया है। किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए, जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए। बड़ी अजीब खुशी है गमे मोहब्बत भी, बड़ी अजीब खुशी है गमे मोहब्बत भी, हंसी लबों पे मगर दिल पे चोट खाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए। हजार पर्दे हों पहरे हों या हों दीवारें, हजार पर्दे हों पहरे हों या हों दीवारें, रहेंगे मेरी नजर में तो वो समाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए। किसी के हुस्न की बस एक किरण ही काफी है,
किसी के हुस्न की बस एक किरण ही काफी है। ये लोग क्यों मेरे आगे हैं शम्मा लाए हुए, ये लोग क्यों मेरे आगे हैं शम्मा लाए हुए। किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए। सुभान अल्लाह, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मिर्जा यूसुफ चंगेजी, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें दरबारी शायर का रुतबा अता फरमाते हुए हम इस बात की इजाजत देते हैं कि तुम जो चाहो मांग लो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। आले जा, अहले दरबार को हजरत बेगम साहब का कलाम सुनने का शरफ बख्शा जाए। चंगेजी, जिल्ले सुभानी बज़्म अदब को आदाब शाही की कैद से आजाद फरमा चुके हैं। इजाजत है। जहां आ रहा जी,
सलाम कबूल फरमाइए। मुबारक हो, वक्त ने आपको बहुत बड़ा शायर बना दिया। जी वक्त ने नहीं। फिर किसने? आपने। हाय अल्लाह। मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की? जी जी नहीं। अच्छा ये बताइए, आपको बचपन के दिन भी याद हैं? जी हाँ, सब कुछ याद है, लेकिन ये याद नहीं कि उस वक्त हमारे बीच दीवार भी होती थी या नहीं। आपको कुछ याद है? जी नहीं, नहीं होती थी। फिर आज हमारे बीच में ये दीवार क्यों है? दीवार मुझे तो नजर नहीं आ रही है। फिर आइए, उसी जगह बारादरी में बैठ जाइए। मैं आपके सामने बैठ के आपको अपना कलाम सुनाना चाहता हूँ। बेगम साहब, मलकायानम आपको याद फरमा रही है अभी इसी वक्त। आप जाइएगा नहीं, मैं अभी आती हूँ। बेगम साहब, मलकायानम के बहाने से मैं आपको यहाँ लाई हूँ। क्यों? बेगम रोशन आरा की कनी से चारों तरफ फिर रही हैं, लेकिन वो आप फिक्र न कीजिए, मैं उन्हें तहखाने के रास्ते से पहुंचा दूंगी। तो फिर जल्दी जाओ। नहीं जाओ ना। जाओ। गुल्ले, ओ गुल्ले, हुक्म कीजिए सरकार। हाजिर है खिदमतगार। गुल्ले, आज हम तुम्हारी पसंद की पोशाक पहनेंगे। बोलो तुम्हें कौन सी पसंद है? हुजूर, ईद से पहले तो तभी ईद आती है जब मिलन का दिन हो या मिलन की रात। हाँ गुल्ले, कल की मुलाकात तो अधूरी रही, इकरार मोहब्बत की सिर्फ आवाज सुनी। किसी का लजाया हुआ शर्माया हुआ पसीने से तर चेहरा आज देखो। गुल्ले, आज की रात पर 100 ईदें कुर्बान। कल जब आप आई तुम्हारे खुशी के मैं अपने होश हवास खो बैठा, तारीफ ही न कर सका। किसकी तारीफ? आपके कलाम की। मुबारक हो, वक्त ने आपको बहुत बड़ी शायरा बना दिया। जी वक्त ने नहीं बनाया। फिर किसने? आपने। जहां रुक क्यों गए? आपके मुंह से जहारा बहुत अच्छा लगता है। जहारा? बचपन का ये जुमला अगर आपको अब तक याद है तो वो भी याद होगा जो मैंने कहा था। जी याद है। क्या कहा था? शर्म के धागों ने होंठ सी दिए हैं। कैसे कहूं क्या कहा था आपने? चेहरे पर से हिजाब की चिलमन उठा दीजिए। कहिए क्या कहा था मैंने? आपको मेरी पसंद। आपने कहा था, जहारा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुमसे ही शादी। हाय अल्लाह, आगे ना कह सकूं। अब कहने की जरूरत नहीं, अगर आपने जुमला पूरा कर दिया तो मुझे खो बैठेंगी, मारे खुशी के धड़कने बंद हो जाएंगे। जहाँ
क्या देख रही हूँ? देख नहीं रही हूँ, तलाश कर रही हूँ। किसको? अपने बचपन को। नहीं पहचान सकेंगी, उस वक्त ऊंचा नादान था और अब बाहरों के सबके शबाब आ चुका है। अब मैं जाऊं? जिंदगानी पे आके छा जाए,
क्या बात है करुणा? मलका आलम आपको याद फरमा रही थी, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। या अल्लाह रहम। करुणा तुम इन्हें तहखाने के रास्ते बाहर पहुंचा दो। खुदा हाफिज। ممتاز ممتاز اے بابر کے خدا، ہماری ممتاز کے بدلے ہم سے ہماری زندگی لے لے، ہماری زندگی لے لے۔ میری سو جانیں آپ پر سے قربان، خدا رہے نہ کہیے۔ ممتاز امی حضرت، بیٹی امی حضرت، بیٹی جوان، آج ہم تم سے کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو تمہارے سپرد کیا، کال دو بیٹی، ان کی آنکھوں سے غم کے آنسو کبھی نہیں بہنے دو گی۔ یقین کیجیے، بابا حضرت کی ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے لیے میں اپنی جان دے دوں گی۔ تم سب سے بڑی ہو، خاندان مغلیہ کی عزت ہو۔ دیکھو بیٹی، زندگی میں ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا۔ خاموشی کیوں؟ ہم ہندوستان کی شہزادی جہاں آرا سے کال چاہتے ہیں۔ امی حضرت، میں کال دیتی ہوں کہ زندگی میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھے گا جس سے خاندان مغلیہ کے وقار کے ساتھ ساتھ بابا حضرت کی عزت کو آ جائے۔ امی حضرت، یہ آپ کی بیٹی کا قول ہے، قرآن پاک کی قسم۔ عالم پناہ۔ حکیم صاحب، خدا کے لیے کچھ کیجیے، ہم سے ہمارا تخت و تاج لے لیجیے، لیکن ہماری ممتاز کو بچا دیجیے۔ بھوشن آرا، رو نہیں، خدا پر بھروسہ رکھو۔ آؤ ہم سب مل کر امی حضرت کے لیے دعا کریں۔ پروردگار، ہم تیرے مجبور بندے ہیں، ہم پر رحم کر، ماں کا سایہ ہمارے اوپر سے نہ اٹھا۔ بیگم صاحب کی آنکھوں کے آنسو سوکھ چکے ہیں، آواز بند ہو چکی ہے۔ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ انہیں سکتہ ہو گیا ہے، ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ دروازہ کھولیے عالم پناہ، بھگوان کے لیے دروازہ کھولیے۔ کیا آپ اپنے غم میں دنیا کو بھول کے اپنی اولاد کو بھی بھول چکے ہیں؟ کیا باپ کی محبت اور ماں کی ممتا سے بھرا دل عالم پناہ کے سینے میں نہیں رہا؟ عالم پناہ، اگر آپ کی بیٹی زندہ نہ رہی تو قیامت کے دن آپ ملکہ عالم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جواب دیجئے۔ میں اس وقت شہنشاہ ہند سے نہیں، ایک باپ سے پوچھ رہی ہوں جس کی بیٹی زندگی سے دور اور موت سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ عالم پناہ، آپ کو آپ کی بیٹی جہان کی زندگی کا واسطہ، دروازہ کھولیے، آپ
आपको आपकी बेटी जान की जिंदगी का वाल था। आलम कस्मत खोली दरवाजा खोली बेगम साहब को रुलाए बेगम साहब को रुलाए बेगम साहब को रुलाए आलम पनाह बेटी जान जाने पिता तुम तो न हमसे रूठो लेकिन हमारे कहे बगैर तुम उन्हें क्यों बुला लाई? बेगम साहब को परेशान देखकर मैंने सोचा उनके मुंह से निकले हुए तसल्ली के दो जुमले आपके जख्म पर मरहम का काम देंगे। करुणा, अब हम ना मिलने के लिए मजबूर हैं। जाओ, उनसे हमारी तरफ से कह दो कि अब हम इस जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। बेगम साहब, हाँ करुणा, उनसे ये भी कहना कि मरने से पहले हिचकी आएगी तो दो ही आएगी, एक मौत की होगी और एक उनकी याद की। याद को दिल में बसा के हमने मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जाओ करुणा, जाओ। मिर्जा साहब, बेगम साहब ने कहा है अब वो आपसे कभी नहीं मिलेंगी। करुणा, मजाक न करो, मजाक कभी कभी इंसान की जान ले लेता है। मैं सच कह रही हूँ, भगवान की सौगंध। लेकिन मुझसे तो ऐसी कोई खता नहीं हुई, मैं तो आज तक उनकी मोहब्बत को ईमान समझकर सजदे करता रहा हूँ। आप भी बेगम साहब की मोहब्बत को शक की नजर से न देखिए,
उन्होंने ये भी कहा है मरने से पहले हिचकी आएगी तो दो ही आएगी, एक मौत की होगी और एक आपकी याद की। चलिए मैं आपको बाहर पहुंचा दूं। नहीं करूंगा, नहीं, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो मुझे एक बार बेगम साहब से मिला तो सिर्फ एक बार, मैं एक रात की बहन से भीख मांगता हूँ। आपने मुझे बहन कहा, मैं वचन देती हूँ जिंदगी में एक न एक दिन आपको बेगम साहब से जरूर मिलाऊंगी। विश्वास रखिए भाई, ये एक राजपूत की बेटी का वचन है। आइए मैं आपको बाहर पहुंचा दूं। आइए। सरकार। क्यों बे, मैंने तुझे कबूतर लाने के लिए भेजा था या कुश्ती लड़ने के लिए? क्या बताऊं सरकार, पहले वो नीम की डाल पर नजर आया, मैं चढ़ा डाल डाल तो वो चला पास पास, मैंने जो मौका देखकर उस पर छबट्टा मारा तो वो लपक कर इमली की डाल पर, इमली की डाल से आम की डाल पर, आम की डाल से कब्रिस्तान की दीवार पर। मैंने कहा बेटा मेरा नाम भी गुल खान है, मुल्क के अदम तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। सरकार, कान से इत्र का फाड़ निकालकर उसके सामने डाल दिया, वो रोटी का टुकड़ा समझकर उस पर झपट पड़ा और खुशबू के भपके से बेहोश हो गया, मैंने लपक कर पकड़ लिया। चलो हाथ तो आया, लाओ खुद को पर में बांध तोड़ा दो। सरकार, इसके पर में बांधने की जरूरत नहीं, चोंच में थमा दीजिए, सीधा जाएगा और बेगम साहब के हाथ में पर्चा दे देगा। ये लीजिए। कौवा? जी हुजूर, कौवा बड़ा सयाना होता है, कबूतर का क्या भरोसा, जिसने मुट्ठी भर चना डाला उसी के सामने गुटर गुँ करने लगा। अबे अकीद के औंधे, मुझे कौवा नहीं खासे कबूतर चाहिए, जा ढाबली में पकड़ ला। अभी लाया सरकार, समझ समझ का फेर है। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, तेरे पास रह के भी दूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो। बेगम साहब, नहीं करूं ना, उड़ा दो इसे और कह दो फिर कभी पैगाम न लाए। ए कबूतर, कान खोल के सुन ले, अब कभी पैगाम न लाना, हमारी बेगम साहब को बहुत तकलीफ होती है, समझे? जाओ। करूं ना, उड़ा क्यों दिया? आप ही ने तो कहा था। हाँ, हमने ही कहा था। बेगम साहब, हुक्म तो आप ही उड़ के जाऊं और रास्ते से पकड़ लाऊं। नहीं, जाने दो। बेगम साहब, कबूतर नहीं तो न सही, पैगाम तो मेरे ही पास है, लीजिए पढ़िए ना। नहीं करूँ ना, हम नहीं पढ़ेंगे। पढ़िए ना। नहीं करूँ ना, नहीं। बेगम साहब, दिल से तो आप पढ़ना चाहती हैं और जुबान से नहीं नहीं कहती हैं। अच्छी बात है, आप नहीं पढ़ती तो मैं ही पढ़े देती हूँ। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। करुणा, हम देख रहे हैं कि तुम्हारी शरारत दिन ब दिन गुस्ताखी में बदलती जा रही है। बेगम साहब, हमें तन्हाई चाहिए। ये
नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, तेरे पास रह के भी दूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। तो गिरा दिया कहो दिल से भी क्या भुला दिया, मुझे आँख से तो गिरा दिया कहो दिल से भी क्या भुला दिया, तेरी आशिकी का गुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। तेरी जुल्फ है मेरा हाथ है कि तू आज भी मेरे साथ है, तेरे दिल में मैं भी जरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, तेरे पास रह के भी दूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। मोहब्बत वो धड़कन है जो खुदा की तरफ से दिल में पैदा होती है। जहां आ रहा सोचती क्या है, जिंदगी मोहब्बत के बगैर ऐसी है जैसे जिस्म बगैर रूह, तू अपना खाली दिल लिख के उन्हें भेज दे, सोचती क्या है, लिख। देखो बेटी, जिंदगी में ऐसा कोई कदम न उठाना जिससे खानदानी विकार के साथ साथ तुम्हारे बाप की इज्जत खाक में मिलकर रह जाए। बेगम साहब, बेगम साहब, इश्क और मुश छुपाए नहीं छुपता। करुणा, ये तुम कह रही हो? हमें तो तुम्हारे सहारे की जरूरत है और तुम चाहती हो कि हम अपनी जगह से गिर जाएं? बेगम साहब को अपना फर्ज प्यारा है और इस दासी को बेगम साहब की जिंदगी, भगवान के लिए सब कुछ भूलते हुए मोहब्बत को गले से लगा लीजिए। करुणा, आज तुम अपने सीने में थोड़ी देर के लिए शहनशाह हिंद की बेटी जहां आरा का दिल रख के जहां आरा बन के इस जगह बैठ जाओ। बखुदा, हम फैसला तुम पर छोड़ते हैं, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। बेगम साहब, मैं झोली फैला के आपसे आपकी और उनकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ, भगवान के लिए इतनी कठोर न बनिए,
सिर्फ खानदान मुगलिया की इज्जत को कायम रखने के लिए मोहब्बत को बदनाम न कीजिए, नहीं तो दुनिया आपको बेरहम और बेवफा के नाम से याद करेगी। बेगम साहब, आप चुप क्यों हैं? माँ को दिए हुए कॉल को भुला दीजिए, बाप की इज्जत को मोहब्बत के ऊपर से कुर्बान कर दीजिए। ये मत सोचिए कि दुनिया आपको क्या कहेगी, आने वाली नस्लें क्या कहेंगी, तारीख क्या लिखेगी। बेगम साहब, मोहब्बत का सर बुलंद कीजिए, मोहब्बत का मान रखिए, मोहब्बत की इबादत कीजिए, मोहब्बत के सामने अपना सर झुका दीजिए। करुणा जी, बेगम साहब, बेगम साहब, माँ को दिए हुए कौन, बाप की इज्जत और खानदानी मोगलिया पर से कुर्बान हो जाइए। करुणा बेगम साहब, बेगम साहब, तेरा जलवा है जहां, मेरी जन्नत
ऐ सनम आज ये कसम खाए, फासले प्यार के मिटा डाले और दुनिया से दूर हो जाए। ऐ सनम आज ये कसम खाए। घड़ी इश्क की एक ताजा कयामत होगी। देख कर रंगे वहां मुस्कुराएगा खुदा और सोचेगा जरा इश्क क्यों पैदा किया, इश्क क्यों पैदा किया, इश्क क्यों पैदा किया। आज ये पसंद खाए, मुड़ के अब देखने का नाम ले, प्यार की वादियों में खो जाए। ऐसा नम आज ये पसंद खाए, फासले प्यार के मिटा डाले और दुनिया से दूर हो जाए। सनम आज ये कसम खाए, सनम आज ये कसम खाए, सनम आज ये कसम में शहनशाह की बेटी ना होती, किसी गरीब किसान की बेटी हो। गुल्ले, तुम एक बार मुझे किसी तरह किले में पहुंचा दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। किले में सरकार? हाँ। आ गई, आ गई तरकीब, आ गई। हुजूर, आप मुंह हाथ धोइए और खाना खाइए और ये समझिए कि आप वहां पहुंच गए। बिजली बहन, अरे हो बिजली बहन, हाय हाय घर में हो। अरे कौन है तू, कहां से आई है, मैंने पहचाना नहीं। मैं हूं तेरी खालाजाद बहन। अरे खालाजाद बहन, हाय हाय पत्थर पड़े तेरी समझ पर, अरे आंखों पर चर्बी छा गई है क्या। मैं वही हूं तेरी बचपन की सहेली, 20 वर्ष के बाद वापस आई हूं। अरे ठहर मुर्दार, कुछ याद तो आ रहा है। अरे कहीं तू वो तो नहीं है, वो कौन, जल्दी बोल ना। अरे झाड़ू फिरी तूफानी, मेरी जा खूब पहचाना। हाँ मैं हूँ तूफानी, तूफानी खानम। अरे तूफानी खानम, खड़ी काहे को है, बैठ बैठ, तेरा ही घर तो है, आ बैठ। आए आए कुर्बान जाऊ, बड़ा रंग रावण चढ़ा हुआ है। हट मुई, नजर ना लगा, ये तो जवानी का निखार है। आए आए, सुना है बड़े ठाट है बिजली के, सारे रंग महल पर हुकूमत है। आए तो अल्लाह की देन है, ये ले पूरी 100 अशरफिया है। देखती क्या है, ये तो पेशगी है पेशगी। अरे पर करना क्या है, मैं बताती हूँ, सुन, मेरे अमीर दादे मिर्जा चंगेजी को बेगम साहब तक पहुंचा दे। क्या कहा, बेगम साहब तक? अमृतार होश में है ये नहीं। अरे डरती क्यों है, कान में सुन, मैं सब कुछ समझाए देती हूँ, सुन। चल हट मुर्दार, बेशरम खाजा सरा होके ऐसी बातें करती है। जा शाम को ले आइयो साथ, पहुंचा दूंगी। कुर्बान जाओ बहन, तो कितनी अच्छी है। <laughs>
बेगम साहब इस गुस्ताख का सलाम करो। यहाँ हमारी ख्वाबगाह में मालूम होता है आप अपने होशो हवास खो चुके हैं। बेगम साहब क्या वो इंसान अपने होशो हवास में रह सकता है जिसकी उम्मीदों पर खाक और अरमानों पर पानी फिर गया हो। हम दुनिया के रंजो अलम सह सकते हैं लेकिन गुस्ताखी नहीं सह सकते। इस गलत कदम को उठाने से पहले आपने ये ना सोचा कि अंजाम में आपको मौत नसीब होगी। मैं जानता हूँ मुझ पर कहरे शाही नाजिल होगा। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाऊंगा। फिर भी दीदार की तमन्ना दिल में लिए हुए मोहब्बत के सबूत में सर हथेली पे रख के आया हूँ। सबूत मोहब्बत का नहीं आप अपनी खुदगर्जी का दे रहे हैं। बेगम साहब खुदारा गरीब के मोहब्बत भरे दिल को सोने और चांदी की बनी हीरों जड़ी पापों से ठोकर न मारिए। इस दिल में मोहब्बत के साथ गैरत भी है। आपके दिल में अगर जरा भी गैरत होती तो रंग महल में चोरों की तरह कदम रखने से पहले आपने ये सोचा होता कि आपकी हरकत हमें कहीं का ना छोड़ेगी। आपने ये सोचा होता कहीं हमारी ख्वाबगाह से निकलते आपको किसी ने देख लिया तो हम पर हमारी पाकिजगी पर हमारी इज्जत पर रंग महल का एक एक पर्द उंगलियां उठाएगा। हमारे खानदान पर दुनिया वालों के साथ साथ तारीख भी हंसेगी। आने वाली नस्लें हमें आवारा और बच्चलन कहेंगी। जवाब दीजिए क्या यही आपकी मोहब्बत है क्या यही आपकी गैरत है। इस दिल को क्या कहूं जिसने सोचने का मौका ही न दिया कि आग लगाने वाले बुझाते नहीं दामन से हवा देते हैं। मिर्जा साहब हमने आपको इबादत का दर्जा दिया आपके नाम की तस्बीह बनाई और आपने आपने उसके दाने बिखेर दिए। चले जाइए हम आपकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत शर्मिंदा हूँ बेगम साहब मुझे माफ फरमाइए। मैं धोखे से शहंशाह हिंद की बेटी की ख्वाबगाह में आ गया। मुझे तो अपनी बचपन की साथी जहान आरा की तलाश थी। अब वो जहान आरा इस दुनिया में नहीं अपनी मोहब्बत को फर्ज पर कुर्बान करके वो एक राजपूत बेवा की तरह सती हो गई। मिर्जा साहब इश्क सैलाब है और डूब जाना जिंदगी। जहारा तो गर्क हो गई है आप भी फना होकर जिंदगी हासिल कर लीजिए। मिर्जा साहब पर चली करो। बेटी रोशन अब तुम जा सकती हो। दारा उस शहर को हमारे हुजूर में पेश करो। हम जानना चाहते हैं हिंदुस्तान के शहंशाह के गरेबा तक कैसे पहुंचा। बाबा हजरत के हुक्म की तामील होगी। मिर्जा चंगेजी हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा इस तहरीर के साथ क्या रिश्ता है। आलीजा वही रिश्ता जो जिस्म के साथ रूह का होता है। तो तुम्हें इकबाल जुर्म है। जिल्ले सुभानी
इकबाल जुर्म वो करता है जो मुजरिम होता है। इस गुलाम से तो कोई खता नहीं हुई। तुम्हारी खता तुम्हारे सामने हम दोहराते हैं। अपनी हैसियत को फूटते हुए तुमने हमारी इज्जत और आबरू से खेलने की कोशिश की। अपनी हैसियत को फूटेंगे। तुमने शहजादी हिंद की मोहब्बत के ख्वाब देखे। अपनी हैसियत को फूटते हुए रात की तारीखी में तुमने जनानी महल में कदम रखा। यही तुम्हारी खता है, यही तुम्हारा जुर्म है। आलीजा, मोहब्बत जुर्म नहीं। मोहब्बत तो नूरानी कलमा है जिसे कुदरत के नूरानी हाथों ने नूर भरे दिल पर लिखा है। और वो नूर भरा दिल सिर्फ शहंशाह वक्त के सीने में ही नहीं, छोटे से छोटे इंसान के सीने में भी। तुम्हारी ये मजाल कि तुम कहरे शाही की परवाह न करते हुए हमारे हुजूर में खड़े होकर हमसे बराबरी का दावा करो। आलम पना, बराबरी का दावा नहीं, ये हकीकत है। मिर्जा, जो नस्बत खाक राबाल में पाक, फर्श का रिश्ता अर्श के साथ कभी नहीं हो सकता। हो सकता है आलीजा। क्या आलम पन्हा ने जन्नत मकानी मलके हिंद मुमताज महल से मोहब्बत नहीं की? क्या मलके हिंद आलम पन्हा के कदना मुलाजम आसिफ जा की बेटी नहीं थी? क्या आलम पन्हा के वालिद माजिद ने मलके नूर जहां से एक मुफलिस और नादार मिर्जा गयाज की बेटी से मोहब्बत नहीं की? मिर्जा चंगेजी, होश में आओ। मोहब्बत की दुनिया तख्तो ताज की दुनिया नहीं होती। मोहब्बत की दुनिया में शहनशाह नहीं होते आलम पना, सब फकीर होते। मिर्जा, मैं बदौलत के एक इशारा तुम्हारी इन बेशर्म आंखों से रोक सकती और इस गुस्ताख दिल से टकरे छीन सकता है। आलम पना, मुझे जिंदा जमीन में दफन कर दें चाहे दीवार में चुनवा दें, मैं ये जरूर कहूंगा कि एक तरफ तो आलम पना अपनी मोहब्बत को रहती दुनिया तक कायम रखने के लिए ताजमहल तामीर करवा रहे हैं और दूसरी तरफ आलीजा की निगाहों में एक मुफलिस की मोहब्बत ऐसा जुर्म है जिसकी सजा आंखों की रोशनी और दिल की धड़कनें छीन लेने से पूरी होती है। आलीजा, अगर यही अदले जहांगीरी है, अगर यही जिले सुबहानी का इंसाफ है, तो हुक्म दीजिए कि गरीब मिर्जा का दिल सिर्फ इसलिए काट कर फेंक दिया जाए कि उस दिल में शहजादी हिंद की पाक मोहब्बत का नूर भरा। हमने सुना है आलम पना ने मिर्जा चंगेजी की मौत का हुक्म दे दिया है, क्या ये सच है? जी बाजी बेगम। लेकिन लेकिन वो तो बिल्कुल बेगुनाह है। वो बेगुनाह है, ये आप कह रही हैं? बाजी बेगम, उसने आलम पना की आबरू पर छींटे उड़ाए हैं, भाई की गैरत को ललकारा है, उसे मौत से भी भयानक सजा मिलनी चाहिए। नहीं दारा, इसमें सिर्फ उनका ही कसूर नहीं, कसूर हमारा भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने होशो हवास खो बैठे हैं। खुदा के वास्ते तुम कुछ भी करो, उनकी जान बचा लो, नहीं तो ये खून हमारे सर पर होगा। दादा, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बाजी बेगम, मैं उसे बचा लूंगा। आप मुझे क्या बचाएंगे शहजादे? मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जो किसी के रहम करम के मोहताज हो। मिर्जा, दिल तो यही कहता है कि हुक्म शाही की तामील हो और तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके शहर बना के फाटक पर लटका दिए जाए। फिर हुक्म की तामील में देर क्यों हो रही है? इसलिए कि हुक्म शाही के साथ हमें बेगम साहब की ख्वाहिश का भी एहतराम है। वो चाहती हैं कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए। मिर्जा, तुम आगरे की सरजमीन से हमेशा के लिए इतनी दूर चले जाओ जहां से आलम पना के कानों तक तुम्हारे जिंदा रहने की खबर न पहुंच सके। तुम आलम पना की निगाहों में मर चुके हो। दारा, अगर तूने बाजी बेगम से यह कह दिया कि तूने मिर्जा को बचा लिया तो मोहब्बत की सुलगती हुई चिंगारी एक न एक दिन शोला बन के खानदान मुगलिया की इज्जत को जला कर राख कर देगी। अकलमंदी इसी में है कि बाजी बेगम से यह कह दे कि उसकी जिंदगी खत्म कर दे। क्या हुआ दादा? बाजी बेगम, जिंदगी खुदा की अमानत है जिसे वो जब चाहता है किसी भी बहाने वापस ले लेता है।
मेरे पहुंचने से पहले ही उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई थी। पानी लाना। आया हुजूर। अबिया मस्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियां हरमन मौला बहुत दिनों के बाद आना हुआ। मियां जानी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। लो शायर आजम आ गए, अभी शायरी का चक्कर चलाता हूँ। ना छोड़ो यार, तुम तो जानते हो कि हरफन को भूलने की बीमारी है, अपना शेर खुद ही भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो बेचारे को जान के लाने पड़ जाते हैं। चाचा मैं जानता हूँ। बरखुरदार, उस दिन की बात याद है जब मिश्रा अटक गया तो बेचारे मरते मरते बचे। चाचा तुम फिक्र मत करो, बस तमाशा देखते जाओ। अच्छा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, सलामत रहो बरखुरदार। हुजूर सहमत ना हो तो वही शेर फिर सुना दीजिए जो पिछले महीने की पहली तारीख को आपने परवानों की महफिल में पढ़ा। मैं यारी कदरदान मालूम होते हो, तकिए पे चले आना, पूरी गजल लिखवा दूंगा। लो खाना नोश फरमाओ। आप बिस्मिल्लाह कीजिए ना। ये बताओ कि शेर सुनने का ही शौक है या कुछ कहते भी? जी नहीं, मैं तो सिर्फ सुनता हूँ और याद कर लेता हूँ। सुनता हूँ और याद कर लेता हूँ तो फिर हमारा शेर कैसे भूल गए? जी भूला नहीं, कुछ इस तरह था कि प्यार की राह में कुछ भी ना मिला, हाय सितम। हाय हाय, मियां जानी याद आ गया, क्या जोरदार शेर कह दिया था हमने। कूजे को दरिया में थकते रह गई, दरिया को कूजे में बंद कर दिया था। प्यार की राह में कुछ भी ना मिला, हाय सितम। दूसरा शेर अर्ज करता हूँ, मेरा मतलब मिसरा अर्ज करता हूँ के तेरे की लाहौल मिला कुबर। दूसरा मिसरा कहाँ गायब हो गया? वो था कि प्यार की राह में कुछ भी ना मिला है सितम, प्यार की राह में कुछ भी ना मिला है सितम। भाई दूसरा मिसरा तू ही कह देना। हुजूर इसके आगे तो मुझे भी कुछ याद नहीं। तेरे की अगर दूसरा मिसरा हलक से बाहर नहीं आया तो खाना हलक के अंदर कैसे जाएगा? प्यार की राह में कुछ भी ना मिला है सितम, प्यार की राह में कुछ भी ना मिला, और वो दूसरा जाके फिर दूसरा प्यार प्यार की राह। भाई कोई भी अपनी तरफ से मिसरा लगा दे तो गजब हो जाएगा। ये अटका हुआ मिसरा हमारी जान लेकर प्यार की राह में कुछ भी न मिला है सितम, दूर तक नक्शे कदम नक्शे कदम नक्शे कदम। अजियो अजियो मेरे शायर आजम। बाबा बाबा दूर तक नक्शे कदम नक्शे कदम नक्शे कदम। हाय 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 हाय, सुभानअल्लाह क्या मिसरा लगाया है। सलामत रहो बरखुरदार, अगर आज तुम ना होते तो हम कांधों पर उठ गए होते। जिंदगी तो खुदा की देन है क़िबला, बंदा तो एक मामूली इंसान है। जय किस्मत की मेरी वजह से आपकी उलझन दूर हो। मियां जाने बहुत बड़ी उलझन, जिंदगी और मौत का सवाल था। क्या नाम है मेरे मोहसिन का? नाम से बदनाम होने का डर है इसलिए गुमनाम है। बात को शायरी के साथ साथ टुकड़े भी अच्छे लगाते हो, जरूर कोई मजे हुए फनकार मालूम होते हो। फनकार तो खुदा की जात है, बंदा तो एक मुसाफिर है, बेकार है। ऐसी इंकसारी तो हमने आज तक नहीं देखी। मियां जानी तुम्हें नाम की जरूरत हो या ना हो, लेकिन किसी को तुम्हारे कलाम की सख्त जरूरत है। चलो मेरे साथ। वहाँ जहाँ की शायरी को चौथे फलक पर पहुँचाया जाता है। मियां जानी आओ तो सही, दूर तक नक्शे कदम नक्शे कदम नक्शे कदम। आज तो हसबैंड मियां बच गए, वरना गए थे। चाचा मिश्रा मुझे याद था, मौका देख के लगा देता, लेकिन वो पहले ही उचक ले गया। इसे अपना ही घर समझो। लेकिन तुम मुझे ले कहाँ है? कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, कदरदानों का इदारा है, आंगन में फव्वारा है और कोठे पे चौबारा है, और धड़ कर तुम ना करता है। अब इधर चले आओ। अरे वाह वाह सुभान अल्लाह, हैरान हो रहा है। जी हाँ आधा वर्ष। जी जी हाँ जी जी वालेकुम सलाम। कहिए हरफन मियाँ, ये विवक कैसे आना हुआ? हाय मियाँ जानी, कभी कभी बहुत गैर शायराना बातें करते हो, भला हरफन मौला भी कभी बेवक्त आए हैं? नन्हे खान साहब, नाच और गाने की महफिल अच्छे कलाम के बगैर बिल्कुल ऐसी है जैसी के बेनमक की दाल। मालूम होता है आज कोई दूर की गौड़ी लाए हो हरफन मियाँ। क्यों मियाँ जानी,
आजकल शौक में कुछ कमी देख रहा हूँ जो दमड़ी कौड़ी की बातें कर रहे हो। आमा मैं तो तख्त ताऊ से कोहिनूर चुरा कर लाया हूँ। ये हैं शायर आजम, बोलते हैं तो फूल बरसते हैं और जब शेर पढ़ते हैं तो मियाँ जानी चश्मे उबलते हैं चश्मे। जी हाँ, वाह वाह सुभान अल्लाह, हमें तो एक अरसे से जैसे शायर की तलाश थी। अब मियाँ जानी अभी तो आपने इनकी सूरत ही देखी है, जब कलाम सुनेंगे तो दीवाने हो जाएंगे। जी हाँ 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 क्यों नहीं, कुछ दिन पहले जब आप एक धोबी पकड़ लाए थे तब भी तो हम दीवाने हो गए थे। अब्बा हरफन चचा तो हर उस आदमी को शायर मान लेते हैं जिसका हुलिया फकीरों जैसा हो और चेहरे पर वहशत बरसती हो। हमारे घर को मुसाफिर खाना समझ रखा है। आपका घर आपको मुबारक हो, बंदा मुसाफिर जरूर है लेकिन खुदा के घर भी बिन बुलाए जाने को तैयार नहीं। हंसो जी भर के मेरे हाल पर लेकिन जरा सोचो तुम्हारे हाल पर भी हंस दिया कोई तो क्या होगा। सुभान अल्लाह। अरे मियां जानी कहाँ जाते हो, मजाक का बुरा मान गए। लड़की अनजान है, बातों में नादान है, मगर दिली दिल में पशेमान है। हरफन मियां बात का घाव तलवार के घाव से कहीं ज्यादा होता है। मैं यहाँ आया नहीं, लाया गया। हुजूर मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी चाहता। अब मियाँ जानी चलो माफ भी कर दो, ए लड़की जबान की गर्म है मगर तबीयत की नरम है, शायरी का जौक है और सीखने का शौक है। जिया आप जैसे ताहिबे कमाल का थोड़ा सा कलाम हासिल हो जाए तो हम गरीबों की जिंदगी सुधर जाए। अरे बेटी खली खली क्या मुँह देखती है, जा कुछ नाश्ते पानी का बंदोबस्त कर। नाश्ता पानी किसी भले आदमी के लिए संभाल के रखिए, खुदा हाफिज। सुनिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे शबनम बेटी माफ कर दिया, शायर का दिल है किसी पहलवान का नहीं। क्यों मियाँ जानी है? चलो हरफन मियाँ इन्हें मेहमान खाने ले चले। हाँ चलो चलो। देखो बेटी नाश्ता जरा अच्छा भेजना सोच समझ कर, मैं भी हूँ। आओ मियाँ जानी। अंधेरे में क्यों बैठे हैं, आवाज देकर रोशनी मांगी होती। शमा की रोशनी से भी कहीं अंधेरे दूर होते हैं। दिल के अंधेरे तो दूर नहीं होते, आंखों के अंधेरे जरूर दूर हो जाते हैं। तस्लीम। खुदा हाफिज। बाबा हजरत, बाबा हजरत। कौन? बेटी जहान। बाबा हजरत को मैंने कई बार पुकारा लेकिन ख्यालात में खोया हुआ पाया। क्या सोच रहे थे आप? हम सोच रहे थे इस बरादरी का नाम निशान बाकी न रहे, इसे खुदवा कर फेंक दे। क्यों बाबा हजरत? ये बारादरी हमेशा हमें मुमताज की याद दिलाकर परेशान करती है। बाबा हजरत बारादरी तो खोद के फेंकी जा सकती है लेकिन उस दिल को क्या करेंगे जिसमें यादें हर घड़ी उनका सोग मनाती रहती हैं, जो कभी ना मिलने की कसम खा के मौत के आगोश में हमेशा की नींद सो चुके हैं। चलिए बाबा हजरत, यादें ही तो अब जीने का सहारा है। चलिए बाबा हजरत, यादें ही तो अब जीने का सहारा है।
वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा, दिल बहल जाएगा आखिर को तो सौदाई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम मुलाकात कभी हो के न हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो, मेरी मंजिल तेरी मंजिल बिछड़ आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम आह मियाँ जाने वल्लाह, अस्तुरे की धार है या तेज तलवार, हजामत बनवा लो या दाढ़ी, गर्दन कटवा लो या तरकारी, हर किस्म के वार के लिए तैयार है मेरा यार। मगर मैं तैयार नहीं, चंद बाल है मेरी दाढ़ी में, किसी मामूली अस्तुरे से उतार दो। नन्हे खान साहब, बाल उतारना तो अनाड़ी भी जानते हैं, लेकिन बाल की खाल उतारना मुझ खिलाड़ी का काम है। आज तो खुदा की कसम ऐसी खूंटी निकालूंगा कि अगर मक्खी भी बैठ गई तो तीन पटखनी खाएगी। और अगर कहीं अस्तुरा पटखनी खा गया तो? हमारा हॉल पड़िए मियाँ जानी, खानदानी नाई हूँ कोई हलवाई नहीं, और अगर खुदा न खास्ता अस्तुरे मियाँ से गुस्ताखी हो भी जाए तो कोई गम की बात नहीं, फन्ने जर्रा ही हिकमत और टोटकों का भी उस्ताद हूँ, खून के फव्वारे बंद करना तो अपने बाएं हाथ का काम है। लीजिए, बात से बात याद आ गई, चंद साल पहले जबकि मेरा लड़कपन था और इस अस्तुरे का शबाब मुझे दरबार शाही में तलब किया गया और हुक्म शाही हुआ कि पलक झपकने से पहले अगर काजी साहब की दाढ़ी साफ ना हुई तो तुम्हारी गर्दन साफ कर दी जाएगी। मियाँ जाने बस फिर क्या था, अस्तुरा हाथ में लेकर मैदान जंग में कूद पड़ा और काजी साहब के चेहरे पर लाशों के ढेर लगाता हुआ, खूंटियों पे खूंटियां कत्ल करता हुआ गले तक पहुंचा और उसके बाद पैंतरी बदल बदल कर सकासक सर पे सर काम करने लग गया। वाह वाह की आवाजों से सारा दरबार गूंजने लगा। अमानन्ने खान साहब, ठीक उसी वक्त जबकि शहर अग पर अस्तुरा था, काजी साहब को छींक आ गई। काजी साहब झूठ बोले तो बोले, मैं क्यों बोलूं, बिला तकल्लुफ अस्तुरा एक बालिश गले में उतर गया। अरफन मौला साहब,
फिर क्या हुआ? होना क्या था मियाँ जानी, खून के फव्वारे फूट निकले। हाय 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 हाय, खुद को दाद देने को जी चाहता है मियाँ जानी। मैंने झट जमीन से एक चुटकी मट्टी उठाई और पढ़कर शहरक पर चिपका दी। खून के फव्वारे फौरन बंद हो गए। मियाँ जानी, आज इस बात को 25 साल हो गए हैं मगर वो मट्टी अभी तक वहीं की वहीं चिपकी हुई है। तस्लीम, तस्लीम देखिए ना कितनी अजीब बात है। अब इस घर में मेरे लिए बनाव सिंगार करना भी दुश्वार हो गया है। आज जरा से मैंने बाल संवारे, आंखों में सुरमा और होंठों पर लाली लगाई तो बाहर कहने लगी, हाय अल्लाह, खैर तो है? क्या आज ईद है? मैंने कहा नहीं। कहने लगी, तो क्या कहीं मेहमान जा रही हो? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगी, ऐ तौबा तौबा, फिर क्या बात है? मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस इतना कहना था कि वो और भी शेर हो गई। हमें चढ़ाकर कहने लगी, मैं सब समझती हूँ। बल ठन कर तुम उन्हें दिखाने जा रही हो? मैंने कहा किसे? तो कहने लगी, तुम जिससे मोहब्बत करती हो। मैंने कहा किससे मोहब्बत करती हूँ? तो जानते हैं आप उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे आपसे मोहब्बत है। भक्ति झूठ कहती है। जी नहीं, सच कहती है। देखो शबनम, तुम कई दिनों से इसी किस्म की बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैं चुप रहना चाहता हूँ और तुम मुझे बोलने के लिए मजबूर करती रहती हो। मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। सुनिए। हाँ देखो, हाँ मैं कुछ कहने आया हूँ। अरे सुभान अल्लाह, कहिए कहिए, आपको सुनने के लिए तो हमारे कान तरस रहे हैं। गजल कहिए, मसनवी कहिए, रुबाई कहिए, नारस कुछ कहिए। मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या मिसरा कहा है, क्या बात कही है, क्या सादगी है, क्या रवानी है, कि मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता। हाय हाय हाय, जाए उस्ताद खाली मामिया जानी, जरा मुकर्रर इरशाद। मैं शेर नहीं सुना रहा हूँ, मैं घर में रहना नहीं चाहता, मुझे इजाजत दीजिए। क्या आपको यहाँ किसी किस्म की तकलीफ पहुँची है? अमान अन्ने खान साहब, समझने की कोशिश करो, मियाँ जानी का दिल खामोशी और तन्हाई से घबरा गया है। जी नहीं, तन्हाई और खामोशी तो मेरी जिंदगी का सहारा है। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे छिन जाए। यहाँ लोग मुझे बोलने पर मजबूर करते हैं और मैं चुप रहना चाहता हूँ। खुदा की कसम मियाँ जानी, तुम्हारी इस मासूमियत पर हरफन मौला की ये करियल जवानी कुर्बान। खान साहब, नाच रंग की महफिल जमाओ, शबनम का इनको गाना सुनवाओ, तब जाकर मियाँ जानी की चुप टूटेगी। जी हाँ। जैसे चिराग जलते हैं।
मैं जा रहा हूँ। जा रहे हैं? हाँ शबनम, तुम्हारे एहसानात के बदले में खुशी न देकर गम देना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मोहब्बत की चिंगारी जो तुम्हारे सीने में सुलग रही है वो शोला बनकर तुम्हें जलाकर राख कर दे। शबनम, मैं खुद अपनी खोई हुई मंजिल को भटक भटक के तलाश कर रहा हूँ। बखुदा तुम्हारी राह पर तुम्हारा हमसफर बन के नहीं चल सकता। समझ गई। क्या? यही कि मैंने जिस दिल में अपना नशीमन बनाना चाहा, वो दिल किसी और का है। हाँ शबनम, मोहब्बत जिंदगी में एक बार होती है, दिल सिर्फ एक बार दिया जाता है। अब ये तो अपने अपने नसीब के बहारों के बदले खिसा मिले और खुशियों के बदले गम। तो जिसे आपने चाहा, जिसे आपने दिल दिया, उस बेवफा ने बदले में आपको गम दिए। ये गम ही तो अब मेरी जिंदगी का सरमाया है शबनम। तो वो बेवफा भी है और खुशनसीब भी, मैं जान सकती हूँ वो कौन है? वो एक ऐसे गुलशन का फूल है जहाँ मोहब्बत गुनाह समझी जाती है। कहाँ है वो गुलशन? आगरे में। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद। सलामत रहो औरंगजेब, बैठो। बाजी बेगम, इस खादिम को सारे रंग महल में सिर्फ आपकी ही कदम बोसी का शर्फ हासिल है, वरना बाबा हजरत की नाराजगी ने इस शाही महल को मेरे लिए सौतेली माँ की गोद बना दिया। बहुत अफसोस की बात है। एक तो तुमने गुजरात से बाबा हजरत को गुस्ताखी भरा खत लिखा, और अब माफी मांगने के बजाय उनके प्यार को शक की नजर से देखते हो। बाजी बेगम, मैं ये गलतफहमी ही तो दूर करने आया हूँ, लेकिन बाबा हजरत के हजूर में बारियाबी की इजाजत ही नहीं मिलती। चलो हमारे साथ चलो। बाबा हजरत सिर्फ हिंदुस्तान के शहंशाह ही नहीं, तुम जैसे नादान बेटे के बाप भी हैं, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। आलम बना के हुजूर में इस खादिम की इल्तिजा है कि औरंगजेब को माफ फरमाते हुए बारियाबी की इजाजत बख्शी जाए। हम उसे कैसे माफ कर दें? उसके खत से बगावत की बू आती है और उसने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को धमकी दी है जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाबा हजरत। आओ बेटी जहान। मैं हाजिर हो सकती हूँ? औरंगजेब, हमारे हुजूर में हमारी इजाजत के बगैर तुम्हें हाजिर होने की हिम्मत कैसे हुई? बाबा हजरत, कुसूर मेरा है, औरंगजेब को मैं अपने हमरा लाई हूँ, वो अपनी नादानियों पर पशेमान है और आलम पना से माफी मांगने आया है। इस गुस्ताख बेटी को जो शफकत पिदरी को भूल कर हमें ऐसा खत लिख सकता है जिसकी तहरीर से बगावत की बू आती, हम हरगिज माफ नहीं कर सकते। आलीजा, औरंगजेब में जिद और लड़कपन जरूर है लेकिन बगावत नहीं। मेरी इल्तिजा है कि अपनी सफाई में औरंगजेब को कुछ भी कहने की इजाजत बख्शी जाए। इजाजत है? आलीजा, मैं बागी नहीं हूँ, मैं भी ब्रादर मोहतरम दारा की तरह हुकूमत का नमकख्वार हूँ। इस गुलाम को सिर्फ ये शिकायत है कि ब्रादर मोहतरम दारा को आलीजा का हद से ज्यादा कुर्ब हासिल है और मुझे दूरी, वरना ये गुलाम भी अपनी बेपनाह मोहब्बत का सबूत दे सकता। मोहब्बत के सबूत के लिए नजदीक रहना जरूरी नहीं है औरंगजेब, अगर तुम चाहते तो दूर रहकर भी एक नेक और सादत मन बेटे के फराइज अंजाम दे सकते थे। आलमपना, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी वो कौन सी जानिसारी है, कौन सी वफादारी है जिसमें मेरे कदम आलमपना के चहीते दारा से पीछे रहे हैं। हमारी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हें दारा से चिड़ और जलन क्यों है, तुम इस बात की क्यों भूलते हो कि वो तुम्हारा बड़ा भाई भी है और वली अहद सल्तनत भी, अपने बड़े भाई और हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह के साथ इज्जत से पेश आना तुम्हारा फर्ज है।
आलमपना गुलाम फर्ज को समझता है, लेकिन ये कहने के लिए मजबूर है कि हिंदुस्तान का होने वाला शहंशाह बुजुर्गों के ख्वाब की उस ताबीर को धर्म बरम कर देगा जिसकी ऊंचाई पर तैमूर और बाबर ने इस्लामी हुकूमत का परचम लहराया था। तुम भूल रहे हो औरंगजेब, सल्तनत मुगलिया का दारोमदार मजहब और फिरका परस्ती पर नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत और रवादारी के उन उसूलों पर कायम है जिनकी बदौलत हमारे दादा मरहूम मकबर आजम कहलाए। तुम गुमराही के अंधेरे गार में गिर चुके हो। तुम्हें माफ करने से पहले हमें कई बार सोचना होगा। अब तुम जा सकते हो। बाबा हजरत। बेटी जहान, हमें डर है कहीं मोहब्बत पिथरी के जोश में इस नादान बेटे पर हिंदुस्तान का नसीब न कुर्बान हो जाए। अरे नन्हे गाजा कहाँ हो? अरे आओ आओ हरपन मियाँ, क्या बात है, बड़े बौखलाए हुए हो। अब मियाँ जानी दोनों हाथों से बटोरने का वक्त आ गया है। शहर में डुग्गी पिट रही है, शहजादी जहां आरा की सालगिरह होने वाली है, बेटी शबनम का सुरीला गला और मेरे शहर का कलाम आय हाय 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 जी हाँ, खुदा कसम माला माल हो जाओगे, जागीरें मिलेंगी। बात तो ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हारे शहर ने तो शेर कहने की कसम खा रखी है। अरे मियाँ जानी खाई हुई कसम अब तक हजम भी हो चुकी होगी। चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ उस्ताद की बात कैसे टालता है। चलो हरपन चाचा आप बैठिए, मैं जाती। अच्छा बेटी जाओ, तुम जाओ और उसे कहना कि कोई फड़कती हुई गजल कहे, फड़कती हुई है ना। शबनम आओ बैठो। इस वक्त मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मेरे पास देने के लिए है ही क्या? आप कॉल दीजिए, मैं मांग लूंगी। घबराइए नहीं, मैं मोहब्बत नहीं मांगूंगी, मुझे आपका कलाम चाहिए। शबनम, मैं तो अपनी शायरी को फूल समझ के अपनी नाकाम मोहब्बत के मजार पर कब से चढ़ा चुका हूं। तुम यकीन करो शबनम, अब मेरे लिए शेर कहना अपने जख्मों को अपने हाथों से कुरेदना है। फिर रहने दीजिए, मैं आपको मजबूर नहीं करती। वो तो अब्बा चाहते थे कि उनको आपका कलाम मिल जाए तो उन्हें भी दरबार शाही में वो इज्जत हासिल हो जाएगी जिसके ख्वाब वो एक मुद्दत से देखते चले आ रहे हैं। वरना मेरे लिए तो अब शोहरत और गुमनामी में कोई फर्क नहीं, अंधेरे में रहने की आदत हो चुकी है, उजाले का शौक नहीं रहा। तुम दरबारे शाही कह रही थी? जी हाँ, शहजादी हिंद जहां आरा बेगम की सालगिरह है, अब्बा कहते हैं ये सुनहरा मौका है। शबनम तुम अंधेरे से रोशनी में आ जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। जी हाँ, तुम अब्बा से कह दो वो मायूस नहीं, मैं तुम्हें कलाम लिख के दूंगा। जी अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा करे तुम्हारी जिंदगी का हर दिन ईद और हर रात शबे बारात। तुम्हारी सालगिरह के मुबारक मौके पर हम तुम्हें खिलत और जागीर के साथ ये तोहफे भी अता फरमाते हैं। अब जाओ बेटी, जश्न में शिरकत की तैयारी करो।
जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद लाए, जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद लाए, तुम और याद लाए, तुम और याद लाए, जाते नहीं है दिल अब तक तुम्हारे, ¡Gracias!
देकर तुम्हारी हौसला अफजाई फरमाना चाहते हैं। आओ, हमारे करीब आओ। तुम्हारी आवाज में बहार की ताजगी, खिजां की वीरानी, कोयल की कूक, गरज कहां तक तारीफ करें हम तुम्हारे गले की, जिसमें सारे जहां का सोज और साज भरा है। बेगम साहब, यही मैं हूं, यही वो आवाज है जो कल तक बेनूर थी। जादू तो इस कलाम में है जिसकी वजह से आज बेगम साहब के हुजूर में बारे आबी का शरफ हासिल हुआ। कौन है वो शायर? क्या तुम उसे जानती हो? जवाब में देर क्यों? क्या वो इस दुनिया में नहीं? खुदा उन्हें लाखों बरस की जिंदगी दे। फिर तुम शायर को अपने साथ क्यों नहीं लाई? मेरे शायर को आगरे की सरजमीं से नफरत है। लेकिन नफरत क्यों? यहाँ एक ऐसी लड़की रहती है जिसने पहले तो शायर से मोहब्बत की और फिर उसका दिल तोड़ा। बेगम साहब, वो कितनी संगदिल होगी, कितनी नीच होगी जिसने मोहब्बत के नाम को रुसवा किया। शबनम, आदाब शाही का ख्याल रहे। कहने दो करुणा, क्या तुम उस लड़की को जानती हो? जानती होती तो उसका मुंह नोच लेती, घसीटती हुई आपके हुजूर में लाती और अपने शायर की तरफ से दामन फैलाकर आपसे इंसाफ की भीख मांगती। सरे बाजार खड़े होकर चीख चीख कर कहती, इसे पत्थर मारो, इसने मोहब्बत की और दिल तोड़ा। ये बेवफा है, इसने मोहब्बत का खून किया है, वफा को लूटा है। अरे, तुम तो रोने लगी। मालूम होता है तुम्हें शायर से मोहब्बत है। जी, लेकिन शायर आज भी उसी बेवफा से मोहब्बत करता है। जब मैंने उससे मोहब्बत की भीख मांगी तो उसने मेरी झोली में मायूसियां भर दी। हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है, तुम्हें उनकी मोहब्बत हासिल हो, तुम्हारी दुनिया आबाद हो जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे। बेगम साहब। हाँ शबनम, हम तुम्हें खत देंगे, तुम्हारे शायर से इल्तिजा करेंगे कि वो तुमसे शादी कर ले। हिंदुस्तान की शहजादी जहां आरा की इल्तिजा शायर कभी नहीं ठुकराएगा। करुणा, कलम दान लाओ। शबनम, जितनी जल्द हो सके तुम आकर हमें ये खुशखबरी देना कि शायर ने तुम्हें अपना लिया। बोलते जो इधर कहां है? दादा हजरत वो गिरफ्तार कर लिए गए और अब सारे हिंदुस्तान पर मेरे बाबा हजरत औरंगजेब की हुकूमत है। मैं उनके हुक्म से आपकी गिरफ्तारी का प्रमाण लेकर आया हूं। किसकी हिम्मत है जो हमें गिरफ्तार करे? हम शहनशाह हिंद हुक्म देते हैं, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। सुना नहीं तुम लोगों ने? तुम्हारे दिल की गैरत और आंखों की शर्म मिट गई। तुम लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि शहंशाह होते हुए भी हमने हमेशा तुम्हें बाप की निगाहों से देखा। क्या हमारे प्यार का बदला गुस्सा ही और नमक हराम ही है? हट जाओ, हट जाओ, हमें बाहर जाने दो। दादा हजरत, आप बाहर नहीं जा सकते, यह आलमगीरी हुक्म है। अब आपको जिंदगी के बचे हुए दिन यहीं गुजारने हैं।
मोहम्मद, मोहम्मद बेटे तुम्हें खानदान तैमूरिया की कसम हमें कले से बाहर जाने दो। हम अपनी रियाया से मिलना चाहते हैं। हमारे लाडले हम तुम्हारे दादा हैं। हम वादा करते हैं इस एहसान के बदले में हम तुम्हें हिंदुस्तान का ताजदार बना देंगे। कलामे पाक की कसम। दादा हजरत, बाप का हुक्म मेरे लिए कलामे पाक के बराबर है। मुझे हिंदुस्तान का तख्त तो ताज नहीं चाहिए। मोहम्मद, तुम उस बाप के हुक्म को कलामे पाक के बराबर कह रहे हो जो हिर्स और हवस के प्यार भाइयों के खून से बुझाना चाहता है। तुम उस बाप के हुक्म को कलामे पाक के बराबर कह रहे हो जो अपने बाप को कैदी बना के उसकी बची हुई जिंदगी उसी के दामन में भीख समझ के देना चाहता है। जवाब दो मोहम्मद, क्या ऐसे बाप का हुक्म मानना गुनाह नहीं? फर्ज का मान रखना इबादत है। अगर बाबा हजरत को इस इबादत का शरफ हासिल नहीं हुआ तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं फर्ज की चौखट पर सर न झुकाऊं। फूफी हजरत, आपके लिए यह हुक्म है कि आपको इज्जत और एहतराम के साथ दिल्ली पहुंचा दो। मोहम्मद, जाओ और अपने बाप से कह दो कि मैं इस बेबसी के आलम में अपने बाप को छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटी जहान, तुम भी हमारे साथ कैद की सख्तियां सहो। खुदा, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोहम्मद के साथ दिल्ली चली जाओ बेटी। नहीं बाबा हजरत, मैं आपको तन्हा छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी। जिद न करो बेटी, अब तुम हमें मुर्दा समझकर सब्र कर लो। अल्लाह ना करे बाबा हजरत, मैं नहीं जाऊंगी। ये हमारा हुक्म है कि तुम दिल्ली चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या आज तुम भी हमें शहंशाह मानने को तैयार नहीं? क्या आज तुम्हारी निगाहों में भी हम इस काबिल नहीं रहे कि हम हुक्म दें और तुम हमारे हुक्म के सामने गर्दन झुकाओ? हुक्म की तामीर हो, यह शहंशाह का हुक्म है, तामीर हो। मैंने मान लिया, लेकिन अब बाप के कदम छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी बाबा, बाबा मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं, नहीं। हिम्मत हो तो अब आगे बढ़ो और मुझे गिरफ्तार करो। मैं इस वक्त शहंशाह हिंद के पलह में। ये मुझे गिरफ्तार करके जयपुर ले जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी आने जा। आप इन्हें हुक्म दीजिए कि वापस चले जाए। आलम बनाओ, आलम बनाओ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब हम थक चुके हैं, हमें अपने पास बुला लो।
बेटी, हमारी दुआ है, खुदा करे हर घर में हमारी जहान जैसी बेटी पैदा हो। माँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरे गम में तुझको बहलाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। काश जो मिलकर रोते, कुछ दर्द तो हल्के होते, बेकार न जाते आंसू, कुछ दाग जिगर के धोते, फिर रंज न होता इतना, है तन्हाई में जितना, अब जान ये रास्ता गम का, है और भी लंबा कितना, हालात की उलझन सुलझाऊं, हालात की उलझन सुलझाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। क्या तेरी जुल्फ का लहरा है अब तक वही सुनहरा, क्या अब तक तेरे दर पे देती है हवाएं पहरा, लेकिन है ये ख्वाब ख्याली, तेरी जुल्फ बनी है सवाली, मोहताज है एक कली की, एक रोज थी फूलों वाली, वो जुल्फ परेशान महकाऊं, वो जुल्फ परेशान महकाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। खुश रहो, जानती हो बेटी आज क्या दिन है? जी बाबा हजरत, आज जुमेरात है। हमने ये नहीं पूछा। फिर तुम्हें समझी नहीं बेटी, आज तुम्हारी सालगिरह का मुबारक दिन है, काश आज हम साहेब तख्त ताज होते तो हमेशा की तरह तुम्हें मोतियों में तोलते
और जरूर जवाहर तुम पर निछावर करते, लेकिन आज तुम्हारे मजबूर कैदी बाप के पास इस फूल के सिवा और कुछ भी नहीं है। जब से दुनिया वजूद में आई है, किसी बाप ने अपनी बेटी को इतना कीमती तोहफा नहीं दिया होगा। जहान। जी बाबा हजरत, जरो जवाहर तो छीन लेने वाले छीन ले गए, लेकिन अब इस फूल को कोई नहीं छीनेगा। जब तक जी इसे अपने पास रखूंगी और कयामत के दिन माँ को दिखाऊंगी। यकीन कीजिए बाबा, खुशी के मारे माँ की आंखें छलक पड़ेंगी, वो भी यही कहेंगी, बहुत खुश नसीब हो जहारा, दुनिया के किसी बाप ने अपनी बेटी को इतना कीमती तोहफा नहीं दिया होगा। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटी। जहान आई बाबा। जी बाबा हजरत, हमारा दिल घबरा रहा है बेटी, मालूम होता है चला चली का वक्त आ गया। घबराइए नहीं बाबा, मैं अभी हकीम साहब को बुलवाती हूँ। नहीं बेटी, हमारे पास बैठो, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हुक्म दीजिए बाबा हजरत। बेटी, इतनी बड़ी दुनिया में हम सिर्फ तुम्हारे कसूरवार हैं, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। यकीन करो बेटी, अगर इस तन पर सरे मकबूल न होता तो हमारी दुनिया ही बर्बाद हो जाती। बाबा, अब करो बाबा, आपके कदमों की कसम, मुझे अपनी कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। खुदारा मुझसे माफी मांग के मुझे गुनहगार न बनाइए मामा। बेटी, बुलावा आ चुका है, अब बस ज्यादा वक्त नहीं है, आपकी इंतजार प्राप्त नहीं बेटी, हमारी हम पक्की खुदा के लिए अपने माँ। मैंने आपको माफ किया, मेरे खुदा ने आपको माफ किया। जी बाबा, अब हमें खुशी खुशी रुख करो बेटी, और
माँ बुला रही है, माँ बुला रही है। रीता हकीम साहब, हकीम साहब, हकीम साहब, हकीम साहब, हकीम साहब, हकीम साहब, हकीम साहब। मुमताज अब आप जाओ, हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत है। उसे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मेरे अल्लाह, मैंने औरंगजेब को माफ किया, मैंने औरंगजेब। बाबा, बाबा, बाबा। बाजी बेगम, बाबा हजरत के इंतकाल की खबर सुनकर जो सदमा इस हकीर को पहुंचा है वो बयान से बाहर है। रबुल इज्जत आपको सबर अता फरमाए। मेरे साथ दिल्ली चलिए और अपनी जिंदगी के बाकी दिन उसी शान और शौकत से गुजारिए जिस तरह आपने बाबा हजरत के जमाने में गुजारे हैं। शान और शौकत की जिंदगी तुम्हें मुबारक हो, हम नहीं जाएंगे। बाजी बेगम की खिदमत में मैं एक बार फिर इल्तजा करता हूँ, अब इस कैद खाने को छोड़िए। मैंने आपके रहने का इंतजाम खास महल में किया है। इस कैद खाने को इबादतगाह समझ के हमने 7 साल तक बाबा की बारगाह में सजदे किए। ये कैद खाना हमारे लिए इबादत खाना है, हम यहाँ से हरगिज नहीं जाएंगे। होने को किसने टाला है, वो तो होके रहती है। अब सब्र कीजिए। इतनी आसानी से सब्र नहीं आएगा। हमने अपने मजबूर बाप को इसी कैद खाने में 7 साल तक आंसू बहाते और एड़ियां रगड़ते देखा है। जवाब दो औरंगजेब, बाबा जैसा मजबूरी और बेबसी का जामा पहन के इसी कैद खाने में तुम जिंदगी की कितनी घड़ियां गुजार सकते हो? हम तुमसे जवाब तलब करते हैं, जवाब दो, जिंदगी की कितनी घड़ियां गुजार सकते हो? वो औलाद जो माँ बाप के साथ तुम्हारे जैसा सुलूक करती है उसे जिंदगी में कभी चैन नहीं मिलता, उसे खुदा भी माफ नहीं करता। खामोशी और नदामत के सिवा मेरे पास कोई जवाब नहीं। अब बाबा हजरत के बदले आप ही मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी बदसुलूकियों को नजरअंदाज करते हुए बाबा हजरत ने तो मरने से पहले तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम इस लूटे हुए तख्त शाही पर बैठ के एक दिन भी सुकून और चैन से हुकूमत नहीं कर सकोगे। औरंगजेब, इस दुनिया से तख्तो ताज का नामो निशान मिट जाएगा, फिर कोई बादशाह नहीं होगा, कोई शाहिनशाह नहीं होगा, कोई तुम्हारी तरह आलमगीर नहीं कहलाएगा। आलमपना, बाजी बेगम ने हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया। करुणावती को जयपुर से चल्द बुलवाया जाए, अब वही बाजी बेगम को यहां से ले जा सकती है। बेगम साहब, बेगम साहब, करुणा, ये आप अंधेरे में क्या देख रहे हैं? आगरा। आगरा? हाँ करुणा,
हमें आगरा बहुत याद आता है। तो तुम्हारी मोहब्बत थी जो हमें यहाँ ले आई, वरना हम आगरे से दिल्ली कभी ना आते। बेगम साहब का दिल अगर दिल्ली से घबरा गया है तो चलिए कुछ दिनों के लिए आगरा चलिए। करुणा, तुम चाहती हो कि हम औरंगजेब के सामने दस्ते तलब बढ़ाएं, आगरा जाने की इजाजत मांगे? करुणा, हम घुट घुट के मर जाएंगे लेकिन औरंगजेब से रहम के भी हरगिज नहीं मांगेंगे। तुम ही बताओ, हमें दिल्ली आए हुए जमाना हो गया लेकिन औरंगजेब हमारे हुजूर में हमें सलाम करने एक दिन भी नहीं आया। वो शहंशाह होगा तो दुनिया के लिए, हमारा तो माँ जाया है, भाई है, हम बड़ी बहन है, माँ के बराबर है। एक बार अगर छिड़क सकते हैं तो दूसरी बार गले लगाकर प्यार भी कर सकते हैं। लेकिन बेगम साहब, आलमपना तो रोज आते हैं। क्या कहा? औरंगजेब रोज आता है? जी बेगम साहब, चौखट को सलाम करते हैं, आपकी खैरियत पूछते हैं और चले जाते हैं। फिर वो हमारे पास क्यों नहीं आया? वो नहीं चाहते कि आपकी मर्जी के खिलाफ यहाँ आके आपका दिल दुखाए। करुणा, कल जब औरंगजेब आए तो उसे हमारे पास लाना, कहना हमने बुलाया है। हम उसे गले लगाएंगे और माफ कर देंगे। बहुत अच्छा बेगम साहब, चलिए अब आराम कीजिए। चलो। करुणा, अब तुम जाओ, हम सो जाएंगे। खुश रहो। तेरी आँख के आँसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। तेरी आँख के आँसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। तेरे गम में तुझको करना करना। क्या बात है, जानती हो ये आवाज किसकी? नहीं तो मिर्जा साहब की। मिर्जा साहब? हाँ करुणा, ये हमसे भी ज्यादा बदनसीब है। अपनी आवाज तो हम तक पहुँचा सकते हैं लेकिन लेकिन हमारी नहीं सुन सकते। जब तक हम बाबा के साथ कैद में थे, दीवानों की तरह रात दिन किले के बाहर यही गाते रहते थे, और अब यहाँ भी आ गए हैं। वो ये नहीं जानते कि उनकी आवाज सुनकर हमारे दिल पर क्या गुजरती है। जाओ करुणा, हमारी तरफ से इल्तिजा करो और कहो कि आप यहाँ ना आया करें। हमारे दिल में टीस उठती है, हम तड़प जाते हैं। जाओ 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 करुणा। करुणा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे मिली। उम्मीद के बुझे हुए चिराग रोशन हो गए, मुझे बेगम साहब तक पहुंचा दो। मिर्जा साहब, मैं तो उम्मीद के चिराग बुझाने आई हूँ, आप यहाँ ना आया कीजिए। आपकी आवाज सुनकर बेगम साहब को बहुत तकलीफ होती है, वो तड़प उठती है। मैं भी उस मछली की तरह तड़प रहा हूँ जिसे बेरहम मौजों ने साहिल पर फेंक दिया हो। करुणा, खुदारा मुझे एक बार बेगम साहब से मिला, मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ। अब आप बेगम साहब से नहीं मिल सकते, जाइए भगवान के लिए चले जाइए। कैसे चला जाऊं? मैं तो एक मुद्दत से तुम्हारी तलाश में था कि तुम मिल जाओ तो तुमको तुम्हारा वचन याद दिलाऊं, एक बहन का वचन जो उसने कभी अपने बदनसीब भाई को दिया था। वचन? भगवान के लिए मुझे मेरा वचन याद न दिलाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। राजपूत की बेटी हाथ जोड़े अच्छा नहीं लगता। साफ साफ कह दो करुणा के राजपूती खून सर्द पड़ चुका है और वचन के नाम पर गर्दन कटाने वालों की निगाहों में वचन की कोई कीमत नहीं है। खुदा हाफिज। राजपूत के वचन की कीमत है, मैं भी आपको बेगम साहब से मिलाए देती हूँ, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद आप यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। कभी नहीं आऊंगा बेगम साहब की कसम। आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। करुणा, तुमने उन्हें समझा दिया, अब तो कभी नहीं आएंगे ना? जी, उन्होंने आपकी कसम खाई है,
कि आज के बाद फिर कभी नहीं आएंगे। खुदा उन्हें सब्र अता फरमाए। लेकिन बेगम साहब, इस वक्त मैं उलझन में गई। क्या बात है करुणा, हमसे कहो, शायद हम तुम्हारी उलझन दूर कर सकें। बहुत दिन हुए मैंने मिर्जा साहब को एक वचन दिया था, और आज वो मुझको मेरा वचन याद दिला रहे हैं। करुणा, तुम राजपूत की बेटी हो, वचन का मान रखना तुम्हारा धर्म है, उसे पूरा करो। लेकिन मेरा वचन आपकी मदद के बगैर पूरा नहीं हो सकता। फिर हमें हुक्म दो, हम तुम्हारा वचन पूरा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। आपको एक बार मिर्जा साहब से मिलना होगा। करुणा, खुदा के वास्ते अपने अल्फाज वापस ले लो। हम जन्नत मकानी अम्मी हजरत को कौन दे चुके हैं? मैं भी मिर्जा साहब को वचन दे चुकी। हम कभी ना मिलने के लिए कला में पाक के कसम खा चुके हैं। लेकिन मेरा वचन भी मेरे लिए गीता की सौगंध है। करुणा, हमसे हमारी जिंदगी ले लो, लेकिन हमारा ईमान न मांगो। अगर मैं अपना वचन पूरा न कर सकी तो मेरे लिए एक ही रास्ता है, अपनी जान दे। मैं गीता की सौगंध खाती हूँ, आपके ईमान पर से अपना वचन कुर्बान कर दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। करुणा, अपना वचन पूरा करो। जी, हम हुक्म देते हैं, अपना वचन पूरा करो। मेरे अल्लाह, बहन के वचन की लाज मेरे हाथ में थी, वो मैंने रख ली। अब मेरे कौल की आबरू तेरे हाथ में है। मेरे मालिक, मेरी मदद कर। बेगम साहब, परवरदिगार, तू इज्जत का रखवाला है, तुझे सारे जहान की बेटियों की इज्जत आबरू का वास्ता, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। बेगम साहब, या अल्लाह, तुझको तेरे हबीब का वास्ता, मुझ पर रहम का, मुझ मजबूर का तमाशा ना देख। बेगम साहब, मैंने तेरे कलाम की कसम खाई है, अब इसकी इज्जत तेरे हाथ में है। पुराने पाक की आबरू रख ले। मेरे अल्लाह, पुराने पाक की आबरू रख ले। बेगम साहब, इस नाचीज का सलाम कबूल फरमाएं। कितना खुश नसीब हूं, वक्त बदला, दुनिया बदली, लेकिन याद को दिल में बसाने वाले आज तक न बदले। बेगम साहब, वो रात याद कीजिए जिस रात में अपनी जहां आरा की तलाश में शहंशाह हिंद की बेटी के ख्वाबगाह में पहुंच गया था। जानती हैं आपने क्या कहा था? आपने कहा था, मिर्जा साहब, हमने आपकी इबादत की, आपके नाम की तस्बीह बनाई, और आपने आपने उस तस्बीह के दाने बिखेर दिए। बेगम साहब, खुदा के वास्ते आज इस इल्जाम को वापस ले लीजिए। मैंने उस तस्बीह के दाने नहीं बिखेरे। आंखें खोलिए और देखिए, आपकी तरह इश्क के सैलाब में डूब के मैंने भी जिंदगी हासिल कर ली है। खुदा गवाह है बेगम साहब, मैंने तस्बीह के दाने नहीं बिखेरे। बेगम साहब, अपना इल्जाम वापस ले लीजिए। बेगम साहब, बेगम साहब, करुणा,
बेगम साहब, बेगम साहब, बेगम साहब, बेगम साहब, बेगम बहुत